स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं आपकी दोस्त मीना। प्लांट वास्तु के बारे में हम बात करने वाले थे। मैंने अपने प्रीवियस दो वीडियोस में बताया था कि नक्षत्र क्या है और कैसे चॉइस नक्षत्र जो हैं वो चॉइस तरह के अलग अलग प्लांट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं मगा नक्षत्र के बारे में। अगर आपका जन्म या आपकी किसी भी फैमिली में अगर बच्चे का जन्म अगर मगा नक्षत्र के अंदर हुआ है तो आपको कौन से ट्री की पूजा करनी चाहिए। ये ट्री है वट वृक्ष कह दें या अमर वृक्ष कह दें, ये वो ही है जिसको हम सामान्यतः बरगद का पेड़ जिसे हम कहते हैं वो है। इस जो बरगद का जो पेड़ है इसको शिव स्वरूप माना गया है। शिव स्वरूप यानी कि ये तरीके से हम कह दें कि भगवान शिव का इसमें वास होता है। इस बरगद के पेड़ में भगवान शिव का इसमें वास होता है। और ये जो बरगद का पेड़ है या वटवृक्ष का जो पेड़ है इसकी जो आयु जो होती है वो बहुत मतलब बहुत लंबी होती है इसकी आयु, इसलिए इसको अमर वृक्ष कहा जाता है। यानी कि अगर मैं कुछ बच्चा अगर हमारी फैमिली में जब जन्म हुआ है और उसका अगर इस नक्षत्र में जन्म हुआ है तो उसको इस वृक्ष की पूजा करनी चाहिए जिससे कि आयु भी लंबी हो और भगवान शिव का आशीर्वाद जो है वो उस पर बना रहे। अगर हम इसकी साइंटिफिकली हम इसका बात करें तो इसका नाम है फाइकस बैंगलोनस जिनेसिस। ये अगर हम इसे बात करें कि इसके यूजेस की बात करें तो एनवायरमेंटली तो ये है ये कि हमको बहुत अच्छे से कि प्योरीफाई करता है, लेकिन साथ ही साथ कि इसका जो दूध निकलता है इसका जो लेटेक्स है वो आपके दांत में और आपके कान में जो पेन होता है उसमें वो बहुत यूजफुल ये प्लांट है। तो हमें क्या करना है कि इस नक्षत्र में ही अगर हमारे आसपास अगर ऐसी कोई जगह है जहाँ पे हम इसको प्लांट कर सके और रेगुलर हम इसको वाटरिंग कर सके वहाँ पे हम इसको प्लांट करना चाहिए, ताकि हमें इसके हमारे जो ग्रह नक्षत्र हैं हमारे जो जन्म कुंडली के जो नक्षत्रों की जो स्थिति है वो हमारे अनुकूल बने। और दूसरा इसके मेडिसिनल यूज तो है ही है, तो हम सोसाइटी के लिए भी अच्छे से सर्व कर पाएंगे और खुद के लिए भी अच्छे से सर्व कर पाएंगे। तो इस तरीके से है कि हमारे सनातन धर्म में हर एक नक्षत्र हर एक प्लांट को रिप्रेजेंट करता है कि कौन सी प्लांट की हमें पूजा करनी चाहिए और कौन से प्लांट को भी लगाना चाहिए। दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं। देखो हमारे लगाने से हमारे ग्रह नक्षत्रों की स्थिति मजबूत बनेगी और हम प्रकृति के लिए भी कुछ कर पाएंगे। तो होपफुली आपको मेरा ये मैसेज और वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।